क्वेश्चन नंबर 7, एबीसीडी इज ए रोम्बस। एसी को बाइसेक्ट करता है, एसी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को भी और एंगल सी को भी। यानी कि मुझे ये प्रूव करना है कि एसी अगर इसका एक डायगोनल है एबीसीडी रोम्बस का, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा, ठीक, और एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 7 8 के इक्वल होगा अगर बीडी डायगोनल है। तो गिवन मुझे क्या है वो देखिए, एबीसीडी इज ए रोम्बस, ठीक। और हमें प्रूव ये करना है कि एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है और 1 2 के इक्वल है। 1 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 4, और साथ में बाद में हमें ये भी प्रूव करना है कि 5 इज इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए प्रूफ देखिए इसका। एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल होगा अल्टरनेट, और एंगल 2 एंगल 3 के होगा अल्टरनेट, ठीक है। ये एंगल इसके इक्वल आ गया, ये एंगल इसके इक्वल आ गया। अगर किसी तरह ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएं तो ये इसके इक्वल होगा, लेकिन ये पहले से इसके इक्वल था, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। और ये इसके इक्वल था लेकिन ये इसके इक्वल था, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब चारों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो किसी तरह मैं इन दोनों एंगल को इक्वल कर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं AD और AC देखता हूँ, DC देखता हूँ, ये दोनों साइड्स रोम्बस की साइड्स हैं, और रोम्बस की ये दोनों साइड आपस में इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि रोम्बस की तो सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, इसलिए ABCD रोम्बस में दोनों साइड इक्वल होने की वजह से एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। देखिए हम लिखेंगे कैसे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 ऑल्टरनेट, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 अल्टरनेट, बट ए डी इज इक्वल टू सी डी। क्यों? साइड्स ऑफ रोम्बस इसलिए AD जब CD के बराबर है तो आइसोसेल ट्रायंगल प्रॉपर्टी से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ जाएगा। वन और थ्री आपस में अगर इक्वल हो गए तो देखिए क्या निकला, 1 तो 3 के इक्वल आया है अभी अभी मेरे पास, और 3 यहां पर 2 के इक्वल था, तो मैं 3 को 2 के इक्वल लिख दूं, और 1 जो है मेरा 4 के इक्वल था, यानी कि इस 1 को मैं 4 के इक्वल यहाँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसका मतलब मैं इसे आराम से यहाँ लिख सकता हूँ, तो चारों एंगल इक्वल हो गए। अब इनमें से मेरे को वो चीजें निकाल लेनी है जो मुझे चाहिए। तो मुझे एक तो चाहिए था कि 1 इज इक्वल टू 2 है, और एक चाहिए था 3 इज इक्वल टू 4 है। तो इसका मतलब मैं इनमें से छांट लेता हूँ, क्योंकि चारों बराबर हैं तो 1 इज इक्वल टू 2 में लिख सकता हूँ एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दो बातें हमारी प्रूव हो गई। अब हमें चाहिए 5 इज इक्वल टू 6 एंड 7 इज इक्वल टू 8। तो 5 इज इक्वल टू 6 के लिए देखें क्या करेंगे हम, एंगल 5 एंगल 8 के इक्वल है अल्टरनेट, और एंगल 6 एंगल 7 के इक्वल है अल्टरनेट, और BC इज इक्वल टू DC है। देखिए ये साइड DC BC साइड के इक्वल है, क्योंकि ये रोम्बस की साइड्स हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो BC इज इक्वल टू DC,
साइड्स ऑफ रोम्बस। सो बाय आइसोसेल ट्रायंगल प्रॉपर्टी 5 इज इक्वल टू 7। ये आ गया। अब देखिए 5 7 के इक्वल है, लेकिन 7 यहां पर 6 के इक्वल था और 5 यहां पर 8 के इक्वल है, तो इसका मतलब 5 और 8 ये भी आपस में इक्वल आ गए। तो अब जो मुझे चाहिए वो मैं ले लूंगा, मुझे चाहिए 5 इज इक्वल टू 6, तो मैं आराम से लिख लूंगा यहाँ 5 इज इक्वल टू 6। मुझे चाहिए 7 इज इक्वल टू 8, मैं यहाँ आराम से लिख लूंगा 7 इज इक्वल टू 8। देखिए मैंने 5 1 इज इक्वल टू 2 भी प्रूव हो गया है हमारा, 3 इज इक्वल टू 4 भी प्रूव हो गया है, 5 इज इक्वल टू 6 भी प्रूव हो गया और 7 इज इक्वल टू 8 भी प्रूव हो गया, तो हम आराम से लिख सकते हैं हैंस। थैंक यू।